नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे बीएड सेकंड पेपर से। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, आप लोग अच्छी प्रकार से समझे इसके लिए मैं लगातार मेहनत भी कर रही हूँ। आज देखेंगे मानव विकास की अवस्थाएं को। मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है। अगर शारीरिक वृद्धि की बात करें तो यह जो है परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक जाती है, लेकिन जो मनोशारीरिक होता है वह विकास निरंतर चलते रहता है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने मानव विकास की अवस्था को जो है भिन्न भिन्न रूप में विभाजित किया है। इसे देखते हैं। मानव विकास की अवस्थाएं को दो भागों में बांट के देख सकते हैं। पहला जो है भारतीय मनीषियों द्वारा विभाजन, यह 7 भागों में किया गया है, और पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो विभाजन किया गया है यह काल्सनिक, रास, सैले, अर्नेस्ट के द्वारा। काल्सनिक ने 8 भागों में बांटा, रास ने जो है 4 भागों में, सैले ने 3 भागों में, और अर्नेस्ट जो है वह 4 भागों में इसे विभाजित किया है। तो रास और अर्नेस्ट जॉन ने 4-4 भागों में, काल्सनिक ने 8 और सैले ने 3 भागों में। भारतीय मनीषियों द्वारा जो विभाजन किया गया है उसमें जो है पहला है गर्भावस्था, यह गर्भधान से लेकर के जन्म तक का समय होता है। दूसरा है शैशवावस्था, यह जन्म से 5 वर्ष की अवस्था है। तीसरा है बाल्यावस्था, यह 5 से 12 वर्ष की अवस्था है। चौथा है किशोरावस्था, यह 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु का है। उसके बाद है पांचवा है युवावस्था, 18 वर्ष से 25 वर्ष तक का। इसके बाद है छठा प्रौढ़ावस्था, यह 25 वर्ष से 55 वर्ष तक का है। और उसके बाद जो है वृद्धावस्था, यह 55 से जो है मृत्यु पर्यंत तक रहता है। काल्सनिक का जो है देखेंगे, यहाँ पर काल्सनिक ने मानव विकास की अवस्था को 8 भागों में बांटा। पहला बांटा पूर्व जन्म काल, यानी कि यह है गर्भधान से जन्म तक का समय। दूसरा जो है नव शैशवावस्था, यह जन्म से जो है 3-4 सप्ताह तक का है। इसके बाद इसने तीसरा बांटा आरंभिक शैशवावस्था, इसमें 1 माह से 15 माह तक का है। चौथा उत्तर शैशवावस्था, 15 माह से 30 माह तक का है। यानी कि शैशवावस्था 3 भागों बांटा, 9 उत्तर और 9 आरंभिक और उत्तर। इसके बाद बाल्यावस्था को भी इसने 3 भागों बांटा, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य और उत्तर। तो पूर्व जो है वह 2.5 से 5 वर्ष का, मध्य जो है वह 5 से 9 वर्ष का, और जो उत्तर बाल्यावस्था है वह 9 से जो है वह 12 वर्ष तक का है। इसके बाद है किशोरावस्था, यह जो है 12 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक का है। रास महादेव का देखेंगे तो इनका जो है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को जो इन्होंने आरंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, और उसके बाद जो है किशोरावस्था, यानी कि 4 भागों में बांटा। शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष, बाल्यावस्था इसमें जो है आरंभिक बाल्यावस्था था 3 से 6 वर्ष तक का, और जो उत्तर बाल्यावस्था था वह 6 से 12 वर्ष तक का, और किशोरावस्था जो है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक का। सैले ने मानव विकास को जो है केवल 3 भागों में बांटा। पहला अवस्था था शैशवा, शैशवावस्था 1 वर्ष से 5 वर्ष तक का। दूसरा हुआ बाल्यावस्था, यह 5 से 12 वर्ष तक का, और तीसरा जो है किशोरावस्था, यह 12 वर्ष से 18 वर्ष तक का। इसके बाद अर्नेस्ट जॉन्स को देखें तो इन्होंने 4 अवस्थाओं में मानव विकास को बांटा। पहला शैशवावस्था, जन्म से 6 वर्ष तक का।
दूसरा बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक का, तीसरा किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक का, और उसके बाद जो है वयस्कावस्था था यह 18 वर्ष से मृत्यु तक का माना। तो ये था मानव विकास की अवस्थाएं। धन्यवाद।